भगवान ने केवल एक वचन पर खम को फाड़ दिया। प्रहलाद ने तो बस ऐसे ही कह दिया, हाँ हाँ इस खम्भ में भी नारायण है। भगवान ने सोचा जब मेरे भक्त ने कह दिया तो मैं प्रकट होके दिखाऊंगा ना, तब तो मेरे भक्त के वचन की रक्षा है। क्योंकि तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कुल की रीति तो वही है कि भैया प्राण चले जाए पर वचन न जाए। आप सोच रहे होंगे, बोले महाराज वो तो सत्युग था, धर्म ही धर्म था। सत्युग में भगवान खम्भे से पैदा हो गए, प्रकट हो गए, कौन सी बड़ी बात है। कलयुग में होके दिखाए तुम माने, हाँ यही सोच रहे होंगे ना। भैया मैं आपसे सच्ची बात कह रहा हूं, सतयुग में तो एक खम्भे में से नारायण प्रकट हुए थे, लेकिन ये कलयुग तो इतना महान है, यहां तो भैया शिलाओं में से, पत्थरों में से रोज नारायण प्रकट हो रहे हैं। अब ताली तो बजा ली, बताओ कहां है, बताओ कहां है महाराज जी, कहां प्रकट हो रहे हैं, हमें भी एड्रेस दो। तुम्हारे राजस्थान में सबसे ज्यादा हो रहे हैं, पूछो कैसे भैया, आप ही बताओ। संपूर्ण देश ही नहीं, विदेशों में भी ज्यादातर जो मूर्तियां जाती हैं वो राजस्थान के पत्थरों से बन के ही तो जाती हैं। तो बताओ पत्थर में से नारायण प्रकट हुए कि नहीं हुए, वो मूर्ति पत्थर में से ही तो बन के जा रही है। 10 दिन पहले तक वो एक पत्थर था, लेकिन जब कलाकार ने उसको मूर्ति बनाया तो वही परमात्मा बन गया, वही राम कृष्ण बन गया। और सच्चाई यही है, सूर अनेक फिरे कड़ मागत, पैपद सूर सस्वाद कहां, पुनिताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सिचा कहां, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी जैसी मर्याद कहां, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर कारण को प्रहलाद, पर कारण को प्रहलाद कहां। नरसिंह तो आज भी हरेक खम्भे में बसे हुए हैं, पर उस नरसिंह को निकालने के लिए कोई प्रहलाद तो हो। पर कारण को प्रहलाद कहां। बड़ा आनंद हुआ, नरसिंह भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया। और आशीर्वाद देने के बाद गोद में बिठाया और गोद में बिठा के कहा, बोले पुत्र मांग, वरम ब्रूही वरदान मांग, क्योंकि हमारे दर्शन का ये फल है कि जिसको भी हमारा दर्शन होता है उसको कुछ ना कुछ देते जरूर हैं। हमारे दर्शन कभी निरर्थक नहीं होते, इसलिए पुत्र आज जो तू कहे वो देने के लिए तैयार। तू कहे तो मैं तुझे स्वर्ग का इंद्र बना दूं, तू कहे तो ब्रह्मा की पदवी पे पहुंचा दूं, तू कहे धरती का सम्राट बना दूं, जो मांगेगा सो दूंगा मांग। और भैया प्रहलाद जी ने जो मांगा वो प्रहलाद के अलावा दूसरा मांग ही नहीं सकता। आप सोच सकते हैं प्रहलाद ने क्या मांगा, आज भगवान प्रकट हो जाएं तुम्हारे सामने और तुमसे कहें, बोले सुनो ब्यावर वासियों मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं, मांगो, क्या मांगोगे हम बताएं।
इतनी बड़ी लिस्ट पकड़ा दोगे ठाकुर जी के हाथ में कि दो चार महीने तो लिस्ट पढ़ते निकल जाएंगे। हाँ, इतनी बड़ी लिस्ट। एक कलयुग का भक्त था, ब्रह्मा जी की आराधना की आपी के बगल से पुष्कर में। ओम नमो ब्रह्मणे नमः, ओम नमो ब्रह्मणे नमः, ओम नमो ब्रह्मणे नमः। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वाह वाह वाह, कोई कलयुग में मेरी तपस्या करने वाला वरदान मांग, तेरे से बड़ा प्रसन्न हूं। कलयुग का आदमी महाराज बोले, महाराज 3 साल तपस्या की है तब तुम आए हो। बोले तो 3 वरदान चाहिए, 1 से काम नहीं चलेगा। ब्रह्मा जी ने कहा, वैसे भी आजकल कोई मेरी तपस्या करता नहीं, तूने की है, चल मैं 3 वरदान देने का तुझे वचन देता हूं, मांग। तो कहा, प्रभु मैं बहुत गरीब हूं, पहला वरदान दे दो कि मैं धनवान बन जाऊं। ब्रह्मा जी ने तुरंत कहा, तथास्तु। फिर कहा, महाराज तुम्हारे तप में लग गया तो विवाह भी नहीं हुआ, एक सुंदर सी कन्या मिल जाए तो विवाह हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु, विवाह भी हो जाएगा। तीसरा मांग। बोले, महाराज और कुछ नहीं चाहिए, बस यही वरदान दे दो कि जब 3 और मांग लूं। तीसरा वरदान ये दे दो कि 3 वरदान और मांग लूं। ब्रह्मा जी ने कहा, बड़ा चालाक आदमी है तू, अब क्या करे, फंस गए, वचन दे दिया। बोले, तथास्तु।